गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब फिर से मिल रहे हैं आज हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हम सब पढ़ रहे हैं सेल स्क्रिप्ट, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा लास्ट चैप्टर होगा सेल स्क्रिप्ट में और कमांड लाइन में भी। और उसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा डेटाबेस का, जो हमें 11th स्टैंडर्ड में सीखना है, राइट। हमारे पास 2-3 टॉपिक्स थे। हमने सबसे पहला थियरी पोर्शन कवर किया, उसके बाद हमने एनिमेशन कवर किया। एनिमेशन के बाद अभी हम कमांड लाइन पे आ गए हैं और कमांड लाइन के बाद डेटाबेस और कमांड लाइन में भी अब हम हमारे लास्ट चैप्टर में है, जहाँ पे हम सेल स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो अब तक हमने बहुत सारी सेल स्क्रिप्ट देखी, 10 से 10 सेल स्क्रिप्ट हमने ट्राई की है, उसमें से बहुत सारी रन हो गई है, कुछ कुछ सेल स्क्रिप्ट रन नहीं भी हुई है, कहीं पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे रन हो रही है और आपके पास रन नहीं हो रही होगी, या ऐसा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में रन हो गई हो और यहाँ पे रन ना हो रही हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी के साथ अब हम आगे बढ़ गए हैं हमारे बुक के पेज नंबर 161 पे। तो अपनी अपनी बुक निकाल दो, पेज नंबर 161 पे अब जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ ऐसा होगा कि आप सब में से कुछ लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर लिया होगा और कुछ लोगों ने कंप्यूटर नहीं लिया होगा या स्पोर्ट्स लिया होगा उसकी जगह पे, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने कंप्यूटर लिया होगा उनको 10th स्टैंडर्ड में सी लैंग्वेज जो आती थी उसके बारे में इतना पता नहीं होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती है तो उन्हें वो चीज याद नहीं होगी। तो अभी मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप सब में से किसी को भी सी लैंग्वेज के बारे में या 10th स्टैंडर्ड में जो कंप्यूटर में सब्जेक्ट के अंदर जो भी पोर्शन था वो आप सबको नहीं आता है, राइट। तो मैं उसी हिसाब से अभी जो आगे चीज पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आप सबको बताऊंगा। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, अपनी अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 161 पे आ जाओ। अब वहां पे हमें जो सीखना है नेक्स्ट सेल स्क्रिप्ट, एक्चुअली हम तो क्या कर रहे हैं, सेल स्क्रिप्ट ही कर रहे हैं। तो हमें जो सेल स्क्रिप्ट करनी है उस सेल स्क्रिप्ट में हमारे पास है अभी डिसीजन मेकिंग टास्क, ओके। हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग टास्क करना है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग टास्क होता है, अगर इन्हें एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो ये होता है कि हमें डिसीजन लेना है, ओके, और हमें आंसर देना है। अगर मैं सिंपल अगर आप सबसे पूछूं, ओके, कि आप सब 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप सबके पास दो आंसर होंगे, एक आंसर होगा यस या एक आंसर होगा नो, राइट। आप सब 11th स्टैंडर्ड में हो, यस या दो नो, राइट। तो वो क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग आंसर। ये बहुत ही मैंने सिंपल एग्जांपल आप सबको दिया ताकि समझ में अच्छे से आए। ये भी हो सकता है अनदर पॉसिबिलिटीज कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि आज कौन सा दिन है तो आपके पास 7 आंसर होंगे। आज मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे या संडे, तो हमारे पास कितने आंसर हुए, 7। अब डिपेंड करता है ये सारी चीजें किस पे, कि सामने से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ओके। अगर सामने क्वेश्चन जो हमारे सामने है तो हमें उसका आंसर ट्रू फॉल्स, यस नो, राइट रॉन्ग, ये सब मैनर में देना है, तो या उसका आंसर हमें मल्टीपल ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में से देना है, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज कौन सा दिन है वैसा कोई क्वेश्चन आया तो, ओके। तो ये चीजें डिपेंड करती है डिसीजन मेकिंग में कि हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा आया और हम उसका आंसर क्या दे रहे हैं, और आंसर दे रहे हैं तो वो कौन से मैनर का आंसर है, मतलब कि 2 आंसर्स में से कोई आंसर है या मल्टीपल आंसर में से कोई पर्टिकुलर आंसर हम किसी को दे रहे हैं। तो ये हो जाता है डिसीजन मेकिंग टास्क, ओके। अब ये चीज हम प्रोग्राम में और ये चीज हम सेल स्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज जो किसी ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी तो वहां पे यही डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम्स बनते थे। प्रोग्राम्स के अंदर ये होता था, बहुत ही मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सबको समझा रहा हूँ ताकि आप सबको कहीं पे वो कंफ्लिक्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि ये वाला चैप्टर ऑलरेडी स्किप है, उसके अंदर के प्रोग्राम स्किप है, उसके अंदर की थियरी स्किप है। फिर भी ये आपको सेल स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है, ओके। अगर प्रैक्टिकल आ गया तो आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इसके लिए। तो जब डिसीजन मेकिंग के अंदर सी लैंग्वेज में आया था तब वहां पे कंडीशन बनती थी इफ कंडीशन जिसे कहते थे। अब इफ कंडीशन तब यूज होती थी जब हमारे पास 2 आंसर आते थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रू या फॉल्स, राइट या रॉन्ग, ओके। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता था मैं यहाँ पे आपको ओके
आप सबको विजिबल हो गए इतने फॉन्ट। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता था सी लैंग्वेज में कि यहाँ पे इफ लिखते थे, फिर यहाँ पे बीच में कंडीशन लिखते थे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करते थे, फिर लिखते थे एल्स, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करते थे और ये फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करवाते थे कौन सा ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट करवाते थे फॉल्स वैल्यू। ओके, अब ये कैसे प्रिंट होता था, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू कैसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे इफ के अंदर कर्ली राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखते थे। अब कंडीशन कैसे होती थी, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा है। ओके, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा किया, अगर हम प्रोग्रामिंग वे में अगर उसका क्वेश्चन देखें, तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन किया कि मैंने जो नंबर डाला है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं, राइट? ओके, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे मतलब कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है, ट्रू वैल्यू। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, और अगर वो नंबर माइनस में है, सपोज मान लो कि माइनस फाइव या माइनस सिक्स कुछ भी नंबर है, तो ये वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। मैं इसकी जगह कौन सा होगा, फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? बिकॉज की हमने जो कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स वैल्यू यहाँ पे मतलब कि जो मैं मैसेज प्रिंट करूंगा यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में, वो वाला प्रिंट होगा। इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैसा होगा कि यहाँ पे हम जो कंडीशन रखेंगे वो अगर ट्रू होगी तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट का मैसेज प्रिंट होगा, और यहाँ पे जो कंडीशन रखी है वो फॉल्स होगी तो सेकंड कर्ली ब्रैकेट का जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। ओके, हमारी डिपेंडेंसी कहाँ पे है, प्योरली जो कंडीशन हमने रखी है उसके ऊपर। ओके, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है और हमने यहाँ पे कंडीशन कौन सी रखी है, वही एग्जांपल को लेके अगर चलूं कि यहाँ पे मैंने ऐसी कंडीशन रखी है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैंने लिखा सेवन, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सबसे पहला ही कर्ली ब्रैकेट का प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। पर अगर मैंने लिखा माइनस फाइव तो ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, मतलब कि फॉल्स, तो वो सीधा चले जाएगा नीचे, और नीचे मैंने जो मैसेज लिखा होगा सेकंड कर्ली ब्रैकेट में वो प्रिंट हो जाएगा। ये काम होता था सी लैंग्वेज में, पर इस तरीके से इफ कंडीशन काम करती थी। ओके, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में नोटपैड में समझाया। अब हम आ जाते हैं इसी चीज को लेके कि यही चीज हमारी सेल स्क्रिप्ट में कैसे होगी। अब सेल स्क्रिप्ट में भी हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टास्क करना है, तो सिंपल बात है हमें यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद एल्स इफ का भी यूज करना पड़ेगा। अब पहले जो इफ कंडीशन है हम वो समझ लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई इफ कंडीशन में क्या होता है, हम एक कंडीशन रखते हैं, अगर उसका आंसर ट्रू होगा तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, अगर उसका आंसर रॉन्ग होगा तो सेकंड कर्ली ब्रैकेट में हम जो आंसर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो अब उसमें हम सेट स्क्रिप्ट में कैसे काम करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ डायरेक्टिव विद द एप्रोप्रिएट मैसेज। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है उसके अंदर कि मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा। अब डायरेक्टरी बनाने की बात आएगी तब आप सबको याद आ जाएगा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में डायरेक्टरी बनाई थी, हमने कमांड लिखा था mkdir और स्पेस हमारा जो भी डायरेक्टरी, मतलब कि एज अ विंडोज में हमारा फोल्डर, हम फोल्डर बनाने के लिए वो mkdir लिखते थे, राइट? तो हमने उसका नाम लिखा, ऑटोमेटिकली वो फोल्डर बन जाएगा। पर ये प्रोग्राम करने से पहले, मतलब ये सेल स्क्रिप्ट करने से पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सपोज मैंने mkdir लिखा, हमारी डायरेक्टरी बन गई, हम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि हाँ भाई जो तुमने डायरेक्टरी बनाई वो बन गई है। पर एक चीज ये होगी कि सेम टू सेम नेम की डायरेक्टरी भी हो सकती है, ताकि क्या हो जाएगा, सपोज हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने वेदांत नाम का ऑलरेडी डायरेक्टरी जो फोल्डर है वो बना के रखा हुआ है, अब वापस से मैं वेदांत नाम का फोल्डर बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एरर ड्रॉप करेगा हमारे लिए। वो एरर किसी को समझ में आएगी, किसी को समझ में नहीं भी आएगी। इसके लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले इफ कंडीशन को यूज किया हुआ है कि सपोज हम जो डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं वो पहले से ही तो वहां पे नहीं है, अगर है
तो पहले वाला मैसेज प्रिंट करो कि ऑलरेडी डायरेक्टरी है, अगर नहीं है तो डायरेक्टरी बना के फिर नया वाला मैसेज प्रिंट करो कि अब डायरेक्टरी नहीं थी और आपकी नई डायरेक्टरी वहां पे बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन का यूज हो रहा है, मतलब कि इफ कंडीशन का यूज हो रहा है कि वो चेक कर रहा है सबसे पहले कि हम जो डायरेक्टरी बनाएंगे वो डायरेक्टरी अवेलेबल है वहां पे या नहीं। अगर अवेलेबल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब जैसे मैंने आपको अभी कहा वो पहली करली ब्रैकेट वाला, मतलब कि पहला जो आंसर होगा वो प्रिंट करेगा। ओके, तो पहला आंसर जो होगा कि भाई ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगा तो वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, मतलब कि फॉल्स हो जाएगी, फिर वो नीचे वाली कंडीशन में वहां पे चला जाएगा, वहां पे लिखा होगा कि आपकी डायरेक्टरी सक्सेसफुली बन गई है। ओके, तो ये जो सेल स्क्रिप्ट है वो इस तरीके से की हुई है। अब यही सेल स्क्रिप्ट को सबसे पहले हम लोग सिंगल में देख लेते हैं, जो मेनली टास्क है कि ये सपोर्ट करती है नहीं करती है। अब जैसे कि MKDIR था वो सपोर्ट कर रहा था, हमारे फोल्डर्स बन रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना ही चाहिए कि ये वाली सेल स्क्रिप्ट भी चलनी चाहिए। ओके, पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कहीं पे मिस कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो इसके लिए। तो जैसा बुक में दिया है मैं वही चीज लिखूंगा फिर से, ताकि जो आउटपुट है वो सेम टू सेम आए। ओके, और पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारी होम डायरेक्टरी कौन सी सेव हो गई है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले मैं सिंगमिन स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैंने सिंगमिन स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि भाई हमारी होम डायरेक्टरी कौन सी है। ओके, अब आप लोग में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि होम डायरेक्टरी हमारी कौन सी है, ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, राइट। तो होम डायरेक्टरी देखने के लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना है ये हम सबको वापस से जाके देखना है कि हम कौन सा कमांड यूज करेंगे होम डायरेक्टरी के लिए। ओके, तो होम डायरेक्टरी के लिए हम सब वापस से चले जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में जाने के बाद आप लोग चले जाओ पेज नंबर 110 पे, और वहां पे लिखा हुआ है कि हमारी होम डायरेक्टरी चेक करने के लिए हमको कमांड यूज करना है डॉलर होम। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वापस से मैं यहाँ पे मैसेज डालूंगा यहाँ पे कैपिटल में। ओके, तो यहाँ पे होम वेदांत इज अ डायरेक्टरी, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पे होम वेदांत यहाँ पे डायरेक्टरी है। तो मैं सी ड्राइव में सिंगमिन में चला जाऊंगा, होम चला जाऊंगा, ये हमारी डायरेक्टरी अभी है। ओके, पहले मैं यहाँ पे ऐसे फोल्डर बना के देख लेता हूँ कि यहाँ पे फोल्डर बनते हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मुझे सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे फोल्डर आया कि नहीं। तो यहाँ पे कोई फोल्डर आया नहीं, तो ये हमारी डायरेक्टरी होगी नहीं। अब मुझे फिर से ढूंढनी है कि मेरी होम डायरेक्टरी कौन सी है। ओके, तो जब तक यहाँ पे सर्च हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट करते हैं, हम सेल्सक्रिप्ट पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेल्सक्रिप्ट बनाने के लिए वापस आ जाओ पेज नंबर 161 पे। अब वहां पे सबसे पहले स्क्रिप्ट नंबर 12, तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट नंबर 12.sh लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट आ गई। अब यहाँ से मुझे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना है, मैं इंसर्ट कमांड चालू करूंगा और जैसे मैसेज दिया है वही मैसेज के थ्रू मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा। यहाँ पे लिखा है पहला एंटर डायरेक्टरी नेम, उसी को रीड करवाया है, वहां पे नाम दिया है MYDIR, मतलब कि माय डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम कंडीशन रख रहे हैं, कंडीशन रखने के लिए अब हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, मैंने लिखा माइनस डी। अब मैं जो माई डायरेक्टरी है उसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ यहाँ पे किसके साथ,
क्यों पहले से अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर वो सेम टू सेम है देन करके यहाँ पे इको में मैं मैसेज दिखाऊंगा कि अ फाइल और डायरेक्टली विद द नेम डॉलर माय DIR ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे एग्जिट जीरो से। अब सपोज वो नहीं है तो फी मतलब कि सेकंड वाला आंसर, तो क्या करेंगे सेकंड वाला में कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो MKDIR माय डायरेक्टरी मतलब कि न्यू डायरेक्टरी बन जानी चाहिए और उसका मैसेज हम लिखेंगे कि डायरेक्टरी विद नेम डॉलर माय DIR क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके तो ये हमने लिखा। अब मैं इसको पहले यहां से सेव कर लेता हूं, ये सेव हो गया। अब मैं यहां से पहले चेक कर लेता हूं कि सीमिन में जो हमने वेदांत नाम का जो फोल्डर बनाया वो है कि नहीं। तो यहां पर मुझे वेदांत नाम का फोल्डर मिल गया है। अब मैं एक बार फिर से यही चीज को ट्राई करूंगा यहां पे, तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। अब मैं फिर से MKDIR करके दूसरी एक फोल्डर बनाने की ट्राई कर रहा हूं। अब ये फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर यहाँ पे आ गया है। ओके तो ये मुझे मेरी होम डायरेक्टरी मिल चुकी है, ये मेरी होम डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं फोल्डर बनाया और मुझे फोल्डर मिल गया। अब सबसे पहले यहाँ से मैं ये दोनों फोल्डर को रहने देता हूँ। अब हम हमारे स्टाइल स्ट्रिप को रन करेंगे। अब जैसे मेरी स्टाइल स्ट्रिप लिखी हुई है 12 नंबर की, तो यहाँ पे मैं 12 नंबर की स्टाइल स्ट्रिप को रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 12 और कैसे लिखा। अब सबसे पहले मुझसे पूछा है एंटर डायरेक्टरी नेम, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेदांत, एंटर करता हूँ। ओके यहाँ पे क्या है डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ वेदांत इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, वैसा मैसेज आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी है दो वेदांत नाम की यहाँ पे बन गए, पर क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हम फिर से इसको रन करेंगे, एंटर करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे वेदांत एंटर करता हूँ, एंटर करूंगा, क्या आया मैसेज डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ वेदांत क्रिएटेड सक्सेसफुली कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑफ वेदांत फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब दो मैसेज एक साथ आ गया, क्यों आया ये हमें यहाँ पे देखना है लाइन नंबर 3 में टू मेनी आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उस स्क्रिप्ट को ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड की हुई है वो निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्पेस और की हुई है वो मैं निकाल दूंगा, यहाँ से मैंने स्पेस दी है वो मैं निकाल दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा सेव कर दूंगा फिर से। ओके अब पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके अब मैं इसको फिर से रन करूंगा एस एल स्क्रिप्ट 12.sl से, एंटर करूंगा। अब फिर से मुझे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा वेदांत, एंटर करूंगा। अब क्या आया कैन नॉट फाउंड अ MKDIR कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी वेदांत फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो है वो क्लियरली हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सही है, मतलब कि जो हमारा काम है वो हो रहा है, बट इफ कंडीशन के अंदर वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है वहां पे एरर फेंक रहा है कि भाई कोई ना कोई एरर है, मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं पे जो है वो कॉल नहीं हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं पे तो मिस्टेक नहीं की है, अगर हमने मिस्टेक नहीं की है तो वो सक्सेसफुली हमारा रन हो तो ऐसे भी रहा है। ओके तो अब यहाँ पे माइनस ही माई DIR माइनस ओ माइनस एफ डॉलर माई DIR जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट किए हैं उसी जगह अगर हम स्टैंडिंग लाइन रख दें तो सपोर्ट करता है कि नहीं, अभी हमें वो नेक्स्ट चीज है वो चेक करनी है। ओके तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को निकाल के हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन रख देते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड ऑन करके स्टैंडिंग लाइन रख रहा हूँ। अब इसके बाद में छोड़िए स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर देता हूँ ताकि वो स्टैंडिंग लाइन के साथ कहीं पे इंटर
डिस्टर्ब ना हो। अब वापस से यहाँ पे माय डियर को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये हाँ ओके, अब इंसर्ट मोड ऑन कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे जो एफ है वो डॉलर माय डीआईआर उसके बाद स्पेस, अब ये मैंने लाइन बना दी शिफ्ट, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब इसको मैं फिर से जॉइन करके देखता हूँ, यहाँ पर दूसरा डायरेक्टरी का नेम मैंने लिख दिया वेदांत, एंटर। यहाँ पे है लाइन नंबर 3 सिंटैक्स एरर नियर अनस्टैक टोकन, मतलब कि जो लाइन है वो हम लोग ले सकते नहीं है, मतलब कि हमने जो किया था वो कॉन्सेप्ट सही था, और कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लाइन है उसकी जगह पे यहाँ पे जो है पहले हम वो रख देते हैं इंसर्ट ब्रैकेट, फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे लास्ट वाली जो चीज है उसको चेंज कर देते हैं, डिलीट, इंसर्ट मोड स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने वापस से वही चीज कर दी जो कोड था, मतलब कि वही वापस से लिख दिया है, ओके। अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, अब हम नई डायरेक्टरी बनाने का ट्राई करते हैं जो अवेलेबल नहीं है सबसे पहले, ओके। तो यहाँ से मैं वापस स्क्रिप्ट को रन करूंगा, स्क्रिप्ट 12.sh, एंटर। अब मैं डायरेक्टरी का नाम सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, एंटर। डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ कंप्यूटर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब सही से रन हो रहा है। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट 12.sh, फिर से रन करता हूँ। अब मैं वापस से कंप्यूटर लिखता हूँ, एंटर। अब फाइल डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ कंप्यूटर ऑलरेडी एग्जिट, मतलब कि जो हमारा जो था वो सक्सेसफुली यहाँ पे बन गया है। अब जो हमने पहले ट्राई किया उसमें ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि हमने पहले जो फोल्डर बनाए वो हमारे पहले से बने हुए थे, या ऐसा हुआ होगा कि हमने जो ब्रैकेट किए थे वहां पे हमने एफ जो था वो कैपिटल हो गया था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती थी। अब हमारी जो डायरेक्टरी है, मतलब कि जो हमारा जो सेल्स स्क्रिप्ट है सक्सेसफुली रन भी हो गया है, यहाँ पे हमें मैसेज भी आया, पहले मैंने कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी बनाई वो बन गई। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर बनाने का, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो यहाँ पे हम सबको दिख सकती है ये कंप्यूटर नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। तो यहाँ पे ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो वाली हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। हाँ जरूर हमारे टाइम लगा, पर ये वाली चीज से हम बहुत सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम देख भी सकते हैं होम डायरेक्टरी बदल के कि कोई ऐसा फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं, ओके। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है मैं आप सबके लिए फिर से यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि कहीं पे आपसे भी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख सको इसकी, मैं साइज बड़ी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को ये वाली सेल स्क्रिप्ट लिखनी है तो लिख सकते हो, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो ओके, और इसके प्रैक्टिस वो ऐसे कर सकते हैं। ओके तो आई थिंक सो आप सबने किसी ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो उसका फोटो लेके आप देख सकते हो, या बुक के अंदर भी यही चीज सेम टू सेम की हुई है, ओके। अब मेन बात आती है अब हमारी नेक्स्ट की, कि अब हमारी जो नेक्स्ट सेलस्क्रिप्ट थी जो मैंने बात की थी, हम सेलस्क्रिप्ट ट्राई करेंगे, पर अभी ऐसी चीज है कि अगर ये वाली सेलस्क्रिप्ट हम लोग देखने जाएंगे, मतलब कि कंपैरिजन वाली सेलस्क्रिप्ट है, इसमें भी हमें इफ कंडीशन ही यूज करनी है, पर यहाँ पे टाइम ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए नया टॉपिक था, मतलब कि इफ कंडीशन आप सबके लिए नहीं थी, जिनके लिए कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट जो उन्होंने 10th में नहीं लिया था उनके लिए भी नहीं थी,
तो ये वाली हमारे जो सीखने में थोड़ा टाइम लग गया, पर आगे जो हमें करने हैं ये सारे के सारे जो सेल्सियस है ये बेस है इफ कंडीशन के ऊपर। उसके बाद एक नई चीज और आएगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर आज ये सेल्सियस मैंने की आप लोग को ये ट्राई करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी सक्सेसफुली रन हो गई तो आप लोग की भी हो जानी चाहिए। ओके, अगर आप सेल्सियस ये वाली करते हो और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। और सेकेंड चीज, अगर आपको होम डायरेक्टरी नहीं मिल रही है किसी रीजन से तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल एक फोल्डर बना दो जैसे मैंने अभी किया, MKDIR एक नाम दे दो। ओके, और जो भी नाम दो वो यूनिक देना, फिर सी ड्राइव में जाके उसी नाम को फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेदांत नाम की डायरेक्टरी बना दी, फिर मैंने जाके ट्राई किया वहां पे सी ड्राइव में जाके सर्च करने का, तो मुझे मिल गया सिंगल की होम डायरेक्टरी जो मेरी अवेलेबल है। ओके, फिर वहां जाके फिर से एक दो डायरेक्टरी बना के देख लो आपको वहां पे मिल रही है कि नहीं, तो वैसे आप रीचेक कर सकते हो। अगर आपको होम डायरेक्टरी मिलने में कमांड के थ्रू कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो मतलब कभी ऐसा होता है कि कमांड के हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ओके, तो उसी आपसे चेक करके होम डायरेक्टरी देख के फिर उसके अंदर ये फोल्डर बना के ट्राई कर लेना। ओके, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछते रहना। गुड बाय।